जय मसीह की। दोस्तों, यीशु गीत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तीन ऐसी अमेजिंग एसेंशियल ड्रम बीट्स जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इसको सीखते हैं। तो चलिए अपनी पहली बीट की तरफ चलते हैं और मैं इस बीट को आपको एक नॉर्मल टेम्पो के ऊपर प्ले करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से साउंड करती है। तो कैसी लगी ये बीट? अच्छी है ना? तो चलिए अब इस बीट को हम ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी हाई हैट और क्रैश सिंबल से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस नोटेशन के अंदर आपको ऊपर की तरफ कुछ क्रॉस साइंस नज़र आ रहे होंगे। वो क्रॉस साइंस का मतलब होता है कि जो आपकी हाई हैट है ये आपको क्लोज प्ले करनी है। आपको मालूम है क्लोज्ड और ओपन हाई हैट क्या होती है? मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये आपकी क्लोज्ड हाई हैट होती है एंड ये ओपन हाई हैट, राइट? सो जब भी आप नोटेशन के अंदर क्रॉस साइंस देखें, इट मींस कि आपको जो हाई हैट है वो आपको क्लोज्ड प्ले करनी है। एंड जो इसके अंदर सबसे पहली बीट के ऊपर जो साइन दिखाया गया है जो कि स्टार साइन है, उस साइन का मतलब होता है कि आपको उस बीट के ऊपर क्रैश सिंबल को प्ले करना है। ईजी, राइट? सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस बीट को देखते हुए। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हाई हैट और सिंबल को कैसे प्ले करना है। सो वन एंड टू and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and, right? हमें तीन measures तक बिल्कुल यही same play करना है। Firstly हमें start करना है crash से and then one and two and three and four and, तीन measures तक आपको hi hat को play करना है। जैसे ही आप फोर्थ मेजर की तरफ आ जाएंगे, आप देख सकते हैं फोर्थ मेजर के अंदर आपका होल बार ऑफ साइलेंस है। इस साइन को कहते हैं कि आपका जो पूरा बार है, पूरा मेजर है, वो साइलेंस्ड है। आपको उसके अंदर कुछ भी प्ले नहीं करना है, राइट? सो मैं आपको एक बार नॉर्मल टेम्पो के ऊपर ये हाई हैट और साथ में क्रैश को प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से साउंड करेगा। सो वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड two and three and four and one and two and three and four and then one and two and three and four and, इसके अंदर आपको लास्ट में कुछ भी प्ले नहीं करना है, यानी हाई हैट और क्रैश कुछ भी प्ले नहीं करना है, ओके? तो चलिए अब इस बीट के अंदर, अभी तक हमने हाई हैट और क्रैश को सीख लिया है, अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं किक को और देखते हैं कि किक को हमें कहाँ कहाँ ऐड करना है। It's like one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and जो आपका लास्ट का बार है उसके अंदर फिर से कुछ भी प्ले नहीं करना है, यानी ना तो किक प्ले होगी और ना ही हाई हैट और क्रैश, राइट? सो अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि फर्स्ट स्पेस के अंदर जो नोटेशन है आपकी, उसके अंदर मैंने आपको टॉप का बता दिया कि जो क्रॉस साइंस होते हैं उसका मतलब कि आपको हाई हैट क्लोज में प्ले करनी है, स्टार साइंस का मतलब कि आपको क्रैश को प्ले करना है। पर जैसे ही आप ये नोट्स देखें जो कि नोट्स आपके फर्स्ट स्पेस के अंदर होते हैं, फर्स्ट स्पेस नोटेशन के, उसका मतलब होता है कि आपको उन नोट्स के ऊपर किक को प्ले करना है, राइट? सो मैं आपको एक बार फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ नॉर्मल टेम्पो के ऊपर। सो वन and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and। चलिए अब चलते हैं और इसके अंदर हम ऐड करते हैं अपनी स्नेयर को और देखते हैं कि स्नेयर इसके साथ बीट में कैसा साउंड करेगी और स्नेयर को हमें कहाँ कहाँ प्ले करना है। सो देख लेते हैं। अब जो आपको नोटेशन शो हो रही है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पेज के जो नोट्स हैं वो होते हैं किक के,
और जो आप थर्ड स्पेस के नोट्स जो आप देख रहे हैं नीचे से थर्ड स्पेस, वो होते हैं आपकी स्नेयर के नोट्स. ओके, सो मैं एक बार आपको स्नेयर प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह की साउंड करेगी. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. सो ये थे हमारे स्नेयर के नोट्स. बट आप लोग थोड़े से कन्फ्यूज्ड हो रहे होंगे कि एंड में, एंड वाले मेजर में अभी तक तो कुछ प्ले हो नहीं रहा था, तो ये नोट्स कहाँ से आ गए? ये नोट्स कुछ नहीं है, ये हैं हमारे स्नेयर के नोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया. और जो स्नेयर के नोट्स हैं ये हमारे एक ग्रुप में बंधे हुए हैं, जिसका मतलब है क्वावर नोट्स, राइट. एक होते हैं हमारे क्वार्टर नोट्स, जो कि एक बीट के लिए होते हैं, बट जब हम एक नोट को डिवाइड कर देते हैं वो बन जाते हैं हमारे क्वावर नोट्स. सो वन एंड, राइट, वन एंड, और वन के ऊपर भी आपका स्नेयर प्ले होगी, एंड के ऊपर भी आपकी स्नेयर प्ले होगी. सो किस तरीके से होगा? लास्ट मेजर 1 and 2 and 3 and 4 and, इस तरीके से सिंपल. सो चलिए अब इस बीट को देख लेते हैं कि ऑल टुगेदर किस तरीके से साउंड करेगी. तो ये थी हमारी ऑल टुगेदर बीट विद हाई हैट, स्नेयर एंड किक, जो कि मैंने आपको 60 bpm के ऊपर प्ले करके दिखाया. आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं लाइक 60 को, देन 70, 80, 90, 100. एंड एक चीज़ और, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस पूरी की पूरी बीट को, यानी प्रॉपर चार मेजर्स को, मैंने दोबारा से प्ले क्यों किया? क्योंकि जैसा कि आप नोटेशन के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर एंड में दो डॉट्स दिए गए हैं, सेकंड और थर्ड स्पेस के अंदर, जिसका मतलब होता है कि आपको ये जो प्रॉपर चार मेजर्स हैं इसको दोबारा से प्ले करना है एंड तक. तो चलिए अपनी नेक्स्ट बीट की तरफ चलते हैं और उसको मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से साउंड करेगी. तो चलिए अब इस बीट का ब्रेक डाउन करते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या एलिमेंट्स का यूज़ किया. और सबसे पहले देखते हैं हमारी हाई हैट और क्रैश सिंबल को. सो मैं एक बार आपको स्लो टेम्पो के ऊपर बजा कर दिखा देता हूँ इंडिविजुअली. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. तो ये थी हमारी हाई हैट और क्रैश की नोटेशंस. तो अब चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारी किक हमको कहाँ कहाँ प्ले करनी है. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. सो इस तरीके से रहने वाली है हमारी किक की नोटेशंस. एंड देन अब इसके अंदर हम और भी इसको बढ़िया बनाने के लिए हम ऐड कर लेते हैं स्नेयर्स. सो देखते हैं कि वो उसके साथ कैसा साउंड करता है. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. सो आपने देखा होगा कि मैंने एंड में इसको और फास्ट क्यों प्ले किया. उसका फास्ट बजाने का रीज़न ये था कि जो एंड में जो नोट्स दिए गए हैं आपके फोर्थ मेजर के अंदर, वो हैं आपके सेमी क्वेवर नोट्स. सेमी क्वेवर नोट्स का मतलब होता है कि जो हम प्रॉपर जो क्वेवर नोट्स होते हैं उसको हम और डिवाइड कर देते हैं. सो ये कुछ इस तरीके से प्ले हो गए. 1 and 2 and. So 1 and 2 and 3 and 4 and. तो चलिए अब इस बीट को हम कंबाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से साउंड करती है 60 bpm के ऊपर. और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ साथ प्ले करने की कोशिश करें. सो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा.
तो चलिए अब चलते हैं अपनी थर्ड बीट की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरीके से साउंड करती है। तो ये थी हमारी थर्ड बीट जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, पर जैसे जैसे आप इसको प्ले करेंगे ये आपको और भी इजी लगने लगेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके हाई हैट और क्रैश के पार्ट से। सबसे पहले आपको फर्स्ट बीट पे स्टार्ट करना है क्रैश से प्ले करके। सो इट्स लाइक 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। अब इसके अंदर हम और भी इसको कॉम्प्लेक्स और अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे किक को, और किक को हम कहाँ कहाँ ऐड करेंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। सो चलिए उसको प्ले करके देखते हैं। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। सो जैसा कि आपने देखा कि लास्ट मेजर के अंदर हमने एंड के ऊपर किक को प्ले किया, मैं एक बार आपको फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। तो चलिए अब चलते हैं और ऐड करते हैं स्नेर पार्ट को और देखते हैं कि कैसा साउंड करता है। सो स्नेर को प्ले करने के लिए आपके फर्स्ट मेजर के अंदर आपको स्नेर को प्ले नहीं करना है। सो कुछ इस तरीके से 1 and 2 and 3 and 4 and, देन जब आपका सेकंड मेजर आ जाएगा उसके अंदर 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। सो अब चलते हैं और अब देखते हैं कि जब हम ऑल टुगेदर सारी चीज़ों को मिक्सअप करते हैं तो ये कैसा साउंड करता है नॉर्मल टेम्पो के ऊपर। तो ये थी हमारी तीन अमेजिंग एसेंशियल ड्रम बीट्स जिसको आपको प्रैक्टिस करना है डेली मेट्रोनोम के साथ ताकि आपकी ड्रमिंग भी और इम्प्रूव हो सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी विजिट करना ना भूलें जो कि है @yeshu_ke_geet। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय मसीह की।